जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम एडजी और इस वीडियो में मैं आज का करंट की बात करूंगा। आज तारीख के 7 सितंबर और कुछ इम्पोर्टेंट आपके लिए चीज़ें बताऊंगा, तो पूरा वीडियो आप प्लीज़ देखा करिए यदि देखना है तो, क्योंकि यदि पूरा वीडियो नहीं देखोगे तो बीच में से चीज़ें निकल जाती हैं। मुझे पता है आप कितने मिनट देखते हो, हर व्यक्ति का मेरे पास डेटा रहता है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए, है ना। धीरे धीरे जो क्वालिटी है वो भी बढ़ती जाएगी कहीं ना कहीं वीडियोज़ की जो चीज़ें हैं। अभी क्या कर रहा हूँ मैं, आपको थोड़ा सा इस लायक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप खुद भी उन चीज़ों को छाँट सके एग्ज़ाम के लिए कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। तो कौन सी चीज़ें आज इम्पोर्टेंट हैं वो थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहली जो न्यूज़ है वो है आपकी ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स से संबंधित है। इस प्रकार की इंडेक्स से रिलेटेड प्री के अंदर जो है, क्या हो गया इसमें, क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, इग्नोर कीजिएगा, थोड़ा बैकग्राउंड में जो चल रहा है गणेश जी की आरती हो रही है तो उससे रिलेटेड है। ठीक है, ये लगभग 11 बजे तक चलता है, इस वजह से मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है ना। 12 बजे वीडियो दूँ तो ये भी सही रहेगा, है ना, जब तक इसी वजह से। देखिए, दूसरी जो न्यूज़ है, सॉरी, ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। यह कौन जारी करता है, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा ये जारी करी जाती है। लिख लीजिए इसे, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, और इस रैंक के 5 आधार हैं। क्या है, स्थायित्व, संस्कृति एवं पर्यावरण, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा, और आधारभूत अवसंरचना। किसी देश के जो आधारभूत अवसंरचना होती है उसको आधार बनाया जाता है इसमें, है ना। रहने लायक किस प्रकार से, कितने देश हैं, इस प्रकार से। तो लगभग 140 देशों की ये सूची है, जिसमें वियना जो ऑस्ट्रिया में है प्रथम स्थान पर है, और दिल्ली का स्थान जो हमारे भारत में जो फर्स्ट रैंक है जिसकी, वो दिल्ली है। यानी दिल्ली सबसे बेहतर शहर है रहने लायक, उसमें ये 5 चीज़ें इंक्लूड करी जाएंगी। ठीक है, जो मैंने आपको बताई थी पहले, स्थायित्व, संस्कृति एवं पर्यावरण, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, आधारभूत अवसंरचना। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो 100 दमिश्क जो सीरिया है, सीरिया में जो शहर है दमिश्क, वो सबसे निम्न स्तर पर है। तो ये हुआ ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स। इसके बारे में बस ज़्यादा कुछ नहीं, इतना ही बस आपको करना है। डायरेक्टली आएगा तो बस इतना ही आएगा इसके बारे में कि ये कौन जारी करता है, तो द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट से जारी करती है। एक्ट फॉर ईस्ट पॉलिसी, ये क्या पॉलिसी है, ये इस प्रकार से डायरेक्ट भी आ सकती है, बहुत ही सिंपल वे में आ सकती है। तो ये पॉलिसी है आपकी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ईस्ट एक्ट पॉलिसी जो है ना हमारी, उसी की तर्ज पर रूस में जो सुदूर पूर्व क्षेत्र है रूस का, जो कि लगभग वीरान सा पड़ा हुआ है, लेकिन उसमें हाइड्रोकार्बन्स जो तेल हैं, खनिज हैं, वो बहुत सारी चीज़ हैं, तो वहाँ पर क्या किया है, अपना हस्तक्षेप वो कर रहा है। हस्तक्षेप नेगेटिव वर्ड है, कहीं ना कहीं बढ़ावा देने के लिए, वहाँ पर व्यापार को बढ़ावा देने के लिए वो क्या कर रहा है, $1 बिलियन जो है इन्वेस्ट, सॉरी ऋण देगा, वो एक अलग ऋण है, मैं अभी बताऊँगा वो क्या है। तो ये हो गया, रिश्ते इससे क्या हो जाएंगे, और अधिक मजबूत हो जाएंगे। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपकी कि इस पॉलिसी के तहत रूस को लाइन ऑफ क्रेडिट देगा भारत, लाइन ऑफ क्रेडिट। तो दूसरी जो न्यूज़ है वो लाइन ऑफ क्रेडिट से रिलेटेड है। ये इम्पोर्टेंट क्यों है, लाइन ऑफ क्रेडिट होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लीजिए, ये क्या है, एक तरह से सुलभ ऋण है, बहुत ही सुलभ ऋण, जिसे जैसे भारत है तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत किसी विकसित देश को ऋण दे रहा है। और ये ऋण की शर्त क्या है, ऋण की ये शर्त है कि अब रूस जो है भारत से आयात, एक मिनिमम लेवल पर आयात उसे करना पड़ेगा, तब जाके ये ऋण उसे प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, लाइन ऑफ क्रेडिट ऋण, जिसमें कोई शर्त होती है ना कुछ आयात की, वो होता है लाइन ऑफ क्रेडिट। इसके बारे में मैं डिटेल से आपको डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से डायरेक्टली जाकर आप बेहतर ढंग से उस चीज़ को समझ सकते हो, है ना। और इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ये है कि अभी तक भारत ने सार्क देशों में किन किन देशों को दिया है, बांग्लादेश को दिया है, श्रीलंका को दिया है, अफगानिस्तान को दिया है,
सबसे ज़्यादा बांग्लादेश को दिया है, बांग्लादेश को $8 बिलियन का दिया हुआ है, ठीक है। और पहली बार ऐसा हुआ कि रूस को भी ये देने जा रहा है। लाइन ऑफ क्रेडिट थोड़ा सा और समझ लीजिए दोबारा से। लाइन ऑफ क्रेडिट एक ऐसा ऋण है, सुलभ ऋण है, जो एक देश की सरकार दूसरे देश की सरकार को रियायती ब्याज दर पर देती है, ठीक है, लाइन ऑफ क्रेडिट। लेकिन इसके अंतर्गत शर्त ये होती है कि ऋण देने वाले देश, ऋण देने वाले देश से ऋण लेने वाला देश कुल जो होगा LOC, जिसे लाइन ऑफ क्रेडिट बोलते हैं, लाइन ऑफ क्रेडिट का निश्चित हिस्सा आयात करेगा, यानी कि आयात उसे करना पड़ेगा एक निश्चित हिस्सा, तब जाके वो उस ऋण को देगा, ठीक है। तो ये प्री के अंदर ये फैक्चुअल रूप में आ सकता है। नेक्स्ट है आपका मुद्रा योजना से रिलेटेड। मुद्रा योजना आप सभी को पता है कि ऋण से संबंधित ये मुद्रा योजना थी, जो कि हमारे फुटकर जो व्यापारी होते हैं कहीं ना कहीं एक लगभग 10 लाख तक का इसमें लोन मिल जाता था, यानी कि माइक्रो फाइनेंस को बढ़ावा देने के लिए ये लाया गया था, है ना। और इसमें कोई भी चीज़ आपको गिरवी वगैरह नहीं रखनी पड़ती है, हालांकि प्रैक्टिकली मैंने खुद प्रैक्टिकल एक अलग चीज़ है, प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है जो चीज़ें इसमें दी गई हैं, लेकिन फिर भी जो पढ़ने में आ रहा है वो सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट खबर ये है कि इसके तहत जो सेवा क्षेत्र है उसमें सर्वाधिक रोजगार सृजन हुए हैं सेवा क्षेत्र के अंदर, ठीक है। तो ये फैक्ट आप नोट कर लीजिए कि मुद्रा योजना में सर्वाधिक जो रोजगार सृजन हुआ है वो आपका किस क्षेत्र में हुआ है, सेवा क्षेत्र में। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा सेवा क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, इतना आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। और थोड़ा सा इसका बेसिक बता देता हूँ मैं। मुद्रा योजना 2015 में शुरू करी गई थी, ठीक है। इसमें शिशु, किशोर और तरुण तीन अवस्थाएं थीं, जिसमें शिशु योजना के अंतर्गत 50,000 तक का ऋण मिल जाता था किसी को भी, किशोर के अंतर्गत 50 से 5 लाख रुपए तक का, और तरुण के अंतर्गत 5 से 10 लाख तक का ऋण मिल जाता था, और ये माइक्रो फाइनेंस के अंतर्गत आती थी। आप चाहें तो इसके बारे में और डिटेल में पढ़ लीजिएगा। और माइक्रो फाइनेंस के अंतर्गत जो आती हैं वो कितने लेवल का होता है, ये आप थोड़ा सा इसे आज पढ़ लीजिए अच्छे ढंग से, ठीक है। और एक जो न्यूज़ थी वो थी आपकी केला उत्पादन से रिलेटेड। केला उत्पादन जो है अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है, भारत के अंदर डाउन हो रहा है। इसका रीजन जलवायु परिवर्तन है, उससे रिलेटेड PIB में न्यूज़ थी, तो उसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन यहाँ पर कमेंट बॉक्स में देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें फैक्ट या जो भी है वो बता दिए, क्योंकि इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाते हैं। और केला उत्पादन को जो बीमारी प्रभावित कर रही है वो है आपकी फ्यूजेरियम बिल्ट। तो ऐसे करके बढ़ाया जाए कि एक बीमारी है फ्यूजेरियम बिल्ट, जिससे भारत के जो व्यापार है उस पर असर पड़ रहा है, वो किस फसल को नुकसान पहुंचा रही है, तो आप जवाब दे दोगे केला उत्पादन को नुकसान पहुंचा रही है। और दोस्तों चंद्रयान 2 जो है अभी थोड़ा सा असमंजस में है, क्या होगा उससे रिलेटेड देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है, लेकिन आप निगाहें रखिएगा जो भी चीज़ें हैं। दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा जो रोवर है वो, ठीक है, अभी कनेक्शन जो है कट गया है, देखते हैं जब तक ये मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है जुड़ भी सकता है, कोई पता नहीं है, ठीक है। आज की न्यूज़ तो आज की ये कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। एक लिखने के लिए आपको टॉपिक दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, स्वामी विवेकानंद जी का जीवन के बारे में, जो आपके 4th पेपर में काम आएगा, और इसमें पूरा का पूरा मैटर होगा स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड। और उसमें आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन दिया होगा वो आपको लिखना है। देखिए पुराने पेपर जिन्होंने नहीं लिए हैं, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये मई से लेकर अगस्त तक का करंट आप मांग रहे थे वो भी मिल जाएगा। 2020 के लिए जो लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा सिलेबस, और आज का टॉपिक ये है, ये सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएंगी। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।